Colleagues, you are not upgrading, you are downgrading. 2002 में सुपरस्टार सलमान खान पर आरोप लगा कि उन्होंने फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ा दी जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और कई घायल हुए। फिर भी आज उनकी छवि पॉजिटिव है। एक प्रख्यात अभिनेत्री ने उन पर हैरेसमेंट का आरोप लगाया जो कि देश में अच्छा खासा चर्चित हुआ। उसके बाद भी आज वो सुपरस्टार है। 1998 में राजस्थान में ब्लैक बक के शिकार का आरोप लगा। कोई और होता मेरे दोस्त तो उसका करियर खत्म हो जाता, लेकिन सलमान खान आज भी सुपरस्टार है। इसी के विपरीत हम दुनिया के प्रख्यात गोल्फर टाइगर वुड्स को देखते हैं। उनके निजी जीवन की कुछ बातें जैसे ही चर्चा में आई, उनके स्पॉन्सर्स को सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान लग गया, उनकी इमेज खत्म हो गई, वो आज तक खड़े नहीं हो पाए। ऐसा क्या किया सलमान खान ने? इतनी नेगेटिव घटनाओं के बाद भी इमेज और ऊपर जाती चली गई। वो बड़े एक्टर नहीं है फिर भी पिक्चर सुपरहिट है। वो बड़े डांसर नहीं है फिर भी लोग उनके मूव्स को कॉपी करते हैं। वो वर्सटाइल नहीं है लेकिन उनकी पिक्चरें बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ती है। लोग उनको रॉबिन हुड मानते हैं। आखिर ऐसा क्या कमाल है? ये कमाल है पर्सनल ब्रांडिंग का। और आज हम बात करेंगे कैसे पर्सनल ब्रांडिंग की सुपरस्टार ने और कैसे आप अपने पर्सनल ब्रांडिंग का प्लान तैयार कर सकते हैं। यूट्यूब के इतिहास में पर्सनल ब्रांडिंग पर पहली बार पहला वीडियो इन डेप्थ, आइए देखते हैं। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। साथियों, जिस तरीके से वस्तुओं का ब्रांड होता है, गाड़ियों का ब्रांड होता है, होटल्स का ब्रांड होता है, उसी तरीके से हर इंसान का भी अपना ब्रांड होता है। यदि आप सोचते हैं मेरा कोई ब्रांड नहीं है तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि एक आलसी व्यक्ति का आलसी का ब्रांड होता है, एक मेहनती का ब्रांड होता है, एक जुगाड़ू व्यक्ति का जुगाड़ू का ब्रांड होता है। हर किसी का कुछ ना कुछ ब्रांड जरूर होता है। हम बात करते हैं सुपरस्टार सलमान खान के कुछ ब्रांड एलिमेंट्स की, पर्सनल ब्रांड एलिमेंट्स की। पर्सनल ब्रांड इसलिए क्योंकि लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, वो आपका ब्रांड है। मजे की बात यह है, लोग वो सोचते हैं जो आप उनके दिमाग में डालते हैं। आइए सलमान खान की पर्सनैलिटी के उन एंगल्स के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से आपके दिमाग में आज उनकी ये छवि बनी है। सबसे पहला एंगल चैरिटी का एंगल। किसी भी व्यक्ति को बड़ा नाम यदि चाहिए, यदि असल सम्मान चाहिए, मास अपील चाहिए, तो उसको दिखना पड़ेगा कि वो दानी है। चाहे रतन टाटा हो, चाहे नाना पाटेकर हो, ये सबके चैरिटी के एंगल्स पब्लिक के सामने आए। सलमान खान का चैरिटी का एंगल 2007 में बीइंग ह्यूमन के साथ सामने आया। उन्होंने फिलान्थ्रोपी का एक एंगल लिया, अपने फाउंडेशन के माध्यम से विशेष रूप से बच्चों के लिए काम किए, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स, क्रेनियल डिफेक्ट्स, और यहां पर ये लंबी लिस्ट है जिनके लिए बीइंग ह्यूमन ने काम किया। यहां तक कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने उनके बारे में लिखा कि वो अपनी कमाई का 10% हिस्सा अपने उपयोग के लिए रखते हैं और 90% हिस्सा दान कर देते हैं, लोगों की सेवा में लगा देते हैं। अब सोचिए यदि आपको कहीं से इंप्रेशन मिले कि फला व्यक्ति अपनी 90% आय दान में दे देता है, तो क्या आपके मन में उसके प्रति सम्मान नहीं उपजेगा? वही सम्मान जो बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स को मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने बिल गेट्स फाउंडेशन का निर्माण किया। साथियों, आगे बढ़ने के पहले एक बात सुन लें। यदि ये वीडियो आप तक किसी के माध्यम से पहुंचा है तो तुरंत उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को खूब शेयर करें ताकि आपके आसपास जितने लोग बुरे ब्रांड लेके घूम रहे हैं वो अच्छे ब्रांड बना सके। और मेरे भाई, शेयरिंग इज केयरिंग। और आइए देखते हैं सलमान खान के ब्रांड का अगला एंगल, केयरिंग। केयर किनके लिए? अपने नियर एंड डियर के लिए, अपनी फ्रेटर्निटी के लिए, उन सारे लोगों के लिए जो सलमान से जुड़े हुए हैं। इसीलिए उनका जो बॉडीगार्ड था शेरा, वो आज तक उनका ऋणी है। उन्होंने अपने बॉडीगार्ड का धन्यवाद करने के लिए बॉडीगार्ड नाम की पिक्चर बनाई। और मजे की बात यह है, उसके बच्चे टाइगर को लॉन्च करने के लिए सलमान खान की मूवी आ रही है। सुष्मिता सेन की बिटिया बीमार हुई, सबसे पहले उन्होंने सलमान खान को याद किया। दिया मिर्जा की माताजी बीमार हुई, सबसे पहले उन्होंने सलमान खान को याद किया। वीरगति नाम की मूवी में उनके साथ जो कैरेक्टर थी पूजा डडवाल, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बताया कैसे सलमान खान के फाउंडेशन ने उन्हें दवाइयां दिलवाई, डायपर्स दिलवाए, उनकी मदद की, पूरा ध्यान रखा। ओवरऑल पिक्चराइजेशन, पूरी दुनिया में एक मैसेज, सलमान खान केयर के और काइंडनेस के मसीहा हैं, दयालु हैं। और याद रखिए, जब जब ये ह्यूमन इमोशन सामने आएंगे तब तक नेगेटिविटी दबती चली जाएगी और ये इमोशंस उसको सुपरसीड करते चले जाएंगे।
ये केयर और काइंडनेस का ब्रांड धीरे धीरे न्यूज परकुलेट होती गई। कभी वो टीवी में आता गया, कभी वो प्रिंट मीडिया में आता गया, कभी वो मैगजीन पे आता गया, और हमारे दिमाग में केयर और काइंडनेस की छवि बन गई। सलमान खान का तीसरा ब्रांड एंगल अ फैमिली मैन। आज तक हमको खबरें आती है कि वो अपने पिता सलीम खान से बहुत डरते हैं, वो अपनी माँ हेलेन के साथ सेट्स पे नाचते हैं। उन्होंने एक समय आया जब उठा के अपने सारी फैमिली मेंबर्स को एक एक महंगी गाड़ी गिफ्ट कर दी। एक वीडियो में आया, आज भी उनकी मम्मी उनको यूं चाटा मार सकती है और वो कुछ नहीं बोल सकते। वो अपने परिवार से प्रेम के चलते बड़े बड़े बंगले खरीद सकते हैं, लेकिन आज भी अपने पुराने अपार्टमेंट में रहते हैं। तो धीरे धीरे हमारे दिमाग में एक छवि बैठ गई, ही इज अ गुड बॉय, He is a good son, he is a great brother, he is a great family member. और हमारे दिमाग में रजिस्टर हो गया, सलमान खान is a very positive family man. यू तो सलमान खान एक ऐसे पब्लिक फिगर हो गए हैं कि हर रोज उनसे जुड़ी कोई ना कोई न्यूज छन छन के आती है। और उसी कड़ी में एक नया एंगल सामने आया, जो एंगल है स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का एंगल। जो दिल में है वो मुंह में है। यहां पर यह भी हो सकता है कि यही पर्सनैलिटी 100% सलमान खान की हो, लेकिन ये सारी बातें हम किस आधार पे कर रहे हैं, जो न्यूज हमको मिली। और मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, कंटिन्यूअसली एक तरीके की न्यूज फीड करके, कंटिन्यूअसली एक तरीके से बर्ताव करके, कंटिन्यूअसली एक तरीके की लाइफ जी के, ग्रेजुअली आप उसी तरीके का ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड का एंगल कैसे पैदा हुआ, पूरे बिग बॉस में सलमान खान राइट का स्टैंड लेते हैं, जो सही है मैं उसके साथ हूं, यदि उनका साथी कलाकार सही है तो उसका कैरियर उठा देंगे, यदि कोई गलत लग गया या सल्लू भाई से दुश्मनी पाल बैठा तो आपका कैरियर नहीं बचेगा। सार ये है, ये सारे ब्रांड एंगल्स धीरे धीरे सलमान खान के हमारे दिमाग में आ गए। हो सकता है आप उनकी एक्टिंग को लाइक नहीं करते हो, डेप्थ नहीं लगता हो, वर्सेटिलिटी नहीं लगती हो, लेकिन अब ना सलमान खान बुरा नहीं लगता, वो अच्छा आदमी लगता है, ऐसा लगता है सबकी मदद करता है, क्योंकि अपनी ओरिजिनल दुनिया में हम लोग इतने पिटते हैं, इतनी कम मदद मिलती है, लोग इतना कम साथ देते हैं, कि ऐसे में यदि किसी की लगातार ऐसी न्यूज आती रहे तो ऐसा लगता है वो व्यक्ति लार्जर देन लाइफ है, वो व्यक्ति गॉड है। और ऐसे में आपका दिल कहता है यार चार गलती माफ करो ना, कहां दिमाग लगाओ, एक पॉजिटिव पर्सनल ब्रांड। और मजे की बात, रोल्स का सिलेक्शन आप देखिए, ग्रेजुअली धीरे धीरे सलमान खान क्लीन पिक्चरें कर रहे हैं, उनकी पिक्चरों में अब इंटीमेट सीन्स नहीं होते, जो अगेन उनकी फैमिली मैन की इमेज को एंडोर्स करता है। और बीच बीच में फिर से बजरंगी भाईजान जैसी मूवीज आ जाती है, जिसमें वो बिना आव देखे ना ताव बस जाते हैं उस बिटिया की मदद करने के लिए पाकिस्तान छोड़ आते हैं। सार ये है मेरे दोस्त, पर्सनल ब्रांड बनाया जा सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और इसीलिए ये दुनिया के सबसे महंगे कोर्सेज में एक है। अब आपके मन में आएगा, ये सब तो बात समझ आ गई कि सलमान खान ऐसे, ये वैसे, लेकिन अब मैं पर्सनल ब्रांड कैसे बनाऊं? तो साथियों, ये दो बातों को ध्यान में रखिए। पहला, आपका करंट ब्रांड। करंट ब्रांड का अर्थ है, यदि आज मैं आपके परिवार वालों से आपके बारे में 5 शब्द बोलने को बोलूं, तो वो क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे कनिंग है, सेल्फिश है, आलसी है, इररिस्पॉन्सिबल है, या वो बोलेंगे रिस्पॉन्सिबल है, प्रोएक्टिव है, हार्ड वर्कर है, आपके फैमिली मेंबर्स। ठीक इसी तरीके से यदि मैं आपके कोवर्कर्स, आपके कलीग्स, या आप जिस भी बिरादरी में काम करते हैं, आपके फ्रेटर्निटी मेंबर से आपके बारे में राय मांगू, तो वो क्या शब्द बोलेंगे? और आज की तारीख में यदि समाज में इन जनरल में लोगों से कहूं कि आपको 5 शब्द में डिस्क्राइब करो, तो वो 5 शब्द क्या हो सकते हैं? देखिए, यहां खूब सारे शब्द आ जा रहे हैं, इनमें से कोई शब्द चुनेंगे? ये आपका करंट ब्रांड है, करंट अर्थात आज का ब्रांड। अब एक दूसरा कॉलम बनाइए जिसमें आपको लिखना है डिजायर्ड ब्रांड। डिजायर्ड ब्रांड का अर्थ वो शब्द जो मैं दुनिया से अपने बारे में सुनना चाहता हूं। आप शायद क्या सुनना चाहेंगे? बहुत विजनरी है, रिस्पॉन्सिबल है, फ्यूचरिस्टिक है, कमिटेड है, लॉयल है, ट्रू है, ऑनेस्ट है, हाई इंटेग्रिटी है, तो शायद ये सब आप सुनना चाहेंगे। तो आप तुरंत पेन पेपर उठाइए और आप लिखिए, एक आज लोग क्या कहेंगे अर्थात करंट ब्रांड, और एक आप लोगों से क्या सुनना चाहेंगे अर्थात डिजायर्ड ब्रांड। अब इन दोनों के बीच में गैप देखिए, करंट और डिजायर्ड। अब आप सोचिए, मेरे को अपनी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे जिससे कि लोग मेरे बारे में ऐसे शब्द बोलें, मेरे व्यवहार में क्या चेंज लाने होंगे, मेरे पहनावे में क्या चेंज लाने होंगे, मेरी बोली में क्या चेंज लाने होंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मेरे दोस्त,
आपका पर्सनल ब्रांड बनेगा। हम अपने प्रोग्राम गुरुकुल और वीआईपी में स्पेशली पर्सनल ब्रांड के बारे में बात करते हैं। यदि आपको अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना और रास्ता नहीं मिल पा रहा हो, मैं देता हूं आपका साथ। आइए उज्ज्वलपाटनी.com पे बुक करिए पर्सनल कंसल्टेंसी का एक स्लॉट और मिलकर डिजाइन करते हैं आपके पर्सनल ब्रांड को। तो उम्मीद की बहुत बड़ी किरण आपके सामने छोड़े जा रहा हूं कि आप अपने सपनों के पर्सनल ब्रांड का योजनाबद्ध तरीके से जीवन जी के निर्माण कर सकते हैं और एक दिन आप देखेंगे कि लोग वही बोलेंगे जो आप सुनना चाहते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूं।